ओम शांति, वीसीडी नंबर 3572, मॉर्निंग क्लास डेटेड 16/9/1968, क्लैरिफाइड ऑन 6/4/2021। रात एक क्लास चल रहा था, 16 सितंबर 1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 16 सितंबर 1968 वॉज गोइंग ऑन। सोमवार को छठी पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। ऑन मंडे वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द बिगनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द 6th पेज। दूसरे धर्मों के लिए ऐसे नहीं कहा जाता है कि छन छन करके किसी और धर्म में चले जाते हैं। नहीं, वो तो अपने धर्म के पक्के होते हैं। इट इजंट सेड लाइक दिस फॉर द सोल्स बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन्स that they convert to other religion after filtration. No, they are certainly firm in their religion. ये तो इस देवी देवता सनातन धर्म की आत्माओं के लिए कहा जाता है जो अपन को द्वापर से हिंदू कह देते हैं कि बाबा के वो बन करके फिर जा करके दूसरी तरफ में जाते हैं छन छन करके। In fact, it is said for the souls belonging to this ancient deity religion who call themselves Hindus from the Copper Age. They convert to other religions after belonging to Baba after their filtration. तो यहाँ कहाँ से मरते हैं? So, from where do they die here? रावण राज्य से मरते हैं। They die from the kingdom of Ravan. तो रावण राज्य और राम राज्य तो कोई समझते नहीं है ना कि रावण को अनेक सिर क्यों दिखाते हैं संगठित रूप में। सो नो वन सर्टेनली अंडरस्टैंड्स अबाउट द किंगडम ऑफ राम एंड द किंगडम ऑफ रावण, व्हाई दे हैव शोन मेनी हेड्स इन अ कलेक्टिव फॉर्म टू रावण। और राम को एक सर क्यों दिखाया जाता है? एंड व्हाई इज ओनली वन हेड शोन टू राम? राम की है एक मत। इट इज बिकॉज राम हैज जस्ट वन ओपिनियन। और रावण की है अनेक सिरों वाले अनेक मतों की अनेक मत अनेक धर्मों की। हाउएवर रावण हैज डिफरेंट हेड्स इंक्लूडिंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। दुनिया में इस बात को कोई नहीं समझते हैं कि सारी दुनिया में रावण का राज्य है। नो वन इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट देर इज द किंगडम ऑफ रावण इन द एंटायर वर्ल्ड। प्रजातंत्र राज्य है कि सारी दुनिया में फैला हुआ है ना। द डेमोक्रेटिक रूल हैज स्प्रेड इन दिस एंटायर वर्ल्ड हैजंट इट? तो भले कोई सत्संग में जाता है तो सत्संग में जाकर के दूसरे सत्संग में जाएगा, फिर तीसरे सत्संग में जाएगा। इट डजंट मैटर टू विच सत्संग ही गोज, ही विल गो टू अ सेकंड सत्संग आफ्टर गोइंग देयर, मीनिंग टू द फर्स्ट सत्संग, देन ही विल गो टू द थर्ड सत्संग। ऐसे चले जाते हैं। इन दिस वे दे गो टू अदर प्लेसेस। अब देखो उन सत्संगों में तो वहाँ मरने जीने की बात नहीं है ना। नाउ लुक, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग अलाइव और डेथ इन दोस सत्संग्स, इज देयर? और यहाँ तो आकर के अडॉप्ट होते हैं। एंड हियर यू कम एंड गेट अडॉप्टेड। सो भी किसके सामने अडॉप्ट होते हैं? दैट टू, इन फ्रंट ऑफ होम डू यू गेट अडॉप्टेड? अरे हम हैं बेहद के बाप के बच्चे। अरे वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द अनलिमिटेड फादर। कहेंगे शिव बाबा के बच्चे। इट विल बी सेड
वी आर द चिल्ड्रन ऑफ शिव बाबा। और उसे बेहद की बाप शिव बाबा से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। एंड वी आर अटेनिंग द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम द अनलिमिटेड फादर शिव बाबा। फिर क्या होता है? देन व्हाट हैपेंस? कोई कोई तो शिव बाबा का वर्षा लेते लेते ये खड्डा में गिरे। सम जस्ट फॉल इन डिचेस व्हाइल अटेनिंग द इनहेरिटेंस फ्रॉम शिव बाबा। और फिर वर्षा? वर्षा तो गुम हो जाता है। देन व्हाट अबाउट द इनहेरिटेंस? इट इज सर्टेनली लॉस्ट। या तो फिर भी जा करके उस खड्डे में पड़ते रहते हैं ना। और दे स्टिल कीप फॉलिंग इन दैट डिच, डोंट दे? अब देखो, पहले तो हंस थे ना। नाउ लुक, अर्लियर यू वेर अ स्वान, वरंट यू? हंसों के संगठन में थे, फिर हंस में से जाकर के बगुला बन जाते। यू वेर इन द गैदरिंग ऑफ स्वान्स, देन यू गो आउट ऑफ द गैदरिंग ऑफ स्वान्स एंड बिकम अ हेरन। सड़ी हुई मछलियों को खाने लग पड़ते हैं। यू स्टार्ट ईटिंग रॉटन फिश। फिर क्या होता है? फिर ये कभी कभी बगुले से फिर भी यहाँ आ जाते हैं। देन व्हाट हैपेंस? स्टिल दे समटाइम्स कम हियर डिस्पाइट बीइंग अ हेरन। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे रहम दिल बनो। इट इज बिकॉज द फादर सेज चिल्ड्रन बिकम मर्सीफुल। अच्छा चलो फिर ट्राई करो। अच्छा कम, ट्राई अगेन। क्या पता आखरीन में गिरते गिरते आखरीन में चढ़ जाएंगे। हु नोज, यू मे राइज इन द एंड आफ्टर फॉलिंग अगेन एंड अगेन। और कोई तो चढ़ते 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 ही रहते हैं, गिरते नहीं। एंड देर आर सम हु जस्ट कीप राइजिंग, दे डोंट फॉल एट ऑल। ऐसे भी तो है ना। बरोबर। डेफिनेटली देर आर सच वंस एज वेल, aren't there? फिर कोई तो चला जाता है अच्छी तरह से। देन सम गो अवे कम्प्लीटली। विकार को तो बिल्कुल। द वाइस इज कम्प्लीटली। बाकी तूफान तो बुद्धि में मन में आते रहते हैं ना। एज फॉर द रेस्ट द स्टॉर्म्स कंटिन्यू टू ब्लो इन द माइंड एंड इंटेलेक्ट, डोंट दे? फिर भी कोई तो थमे रहते। स्टिल देर आर सम हू रिमेन स्टेडफास्ट। तो जो थमे रहते हैं आदि से अंत तक, उनके लिए ही कहा जाएगा महावीर हनुमान। सो दोज हू रिमेन स्टेडफास्ट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड, ओनली दे विल बी कॉल्ड महावीर हनुमान। तो तुमको भी तो नाम ऐसा रखते हैं ना। सो यू आर ऑल्सो गिवन सच नेम, aren't you? ऐसे नहीं है ना काई नाम रखते हैं। इट isn't that, only this one is given this name. नाम ही है महावीर, महावीरनिया। The very name is महावीर, meaning the bravest one, and महावीरनी, meaning the female counterpart of महावीर। तो इसमें अंडरस्टूड है, कोई तो महावीर है, कोई तो फिर जरूर कमती भी होंगे। इट इज अंडरस्टूड दैट सम आर वेरी ब्रेव एंड सम अदर वुड सर्टेनली बी लेस ब्रेव। अरे पढ़ने वाले तो नंबर वार होते हैं ना। अरे दोज हू स्टडी आर सर्टेनली नंबर वाइज, aren't they? अब सबसे जास्ती जो महावीर है उनको कहा जाता है, नाम ही रखा जाता है, जैसा काम वैसा नाम महावीर। वेल द वन हु इज द ब्रेवेस्ट ही इज कॉल्ड नेम्ड महावीर अकॉर्डिंग टू द रूल, एज इज द टास्क परफॉर्म्ड सो इज द नेम गिवन।
तो महावीर नाम है वो तो तुम बच्चों का है ना. सो द नेम महावीर इज डेफिनेटली ऑफ यू चिल्ड्रन इजंट इट. अब कोई बंदरों का तो नाम नहीं है. नाउ इट इजंट द नेम ऑफ सम मंकीज. तो देखो उन भक्ति मार्ग वालों ने तो बंदर का नाम रख दिया महावीर. सो लुक दे हैव केप्ट द नेम ऑफ अ मंकी महावीर इन द पाथ ऑफ भक्ति. तो देखो इन आदिदेव को भी महावीर कह देते. सो लुक दिस आदिदेव इज ऑल्सो कॉल्ड महावीर. अभी है तो महावीर और बाप तो महावीर कहेंगे ना. Well, he is certainly very brave, and the father will definitely call him Mahavir. Brahma ko to Mahavir kahenge. Brahma will certainly be called Mahavir. Kyunki inme se hi ye Mahavir niya paida hote hain, Mahavir paida hote hain. Jo vishu ke upar rajya karte hain. It is because Mahavirni and Mahavir who rule the world are born from him alone. तो तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार महावीर की बच्चियां महावीरनी बने या महावीर बने नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार. सो यू शुड ऑल्सो बिकम द डॉटर्स ऑफ महावीर महावीरनी और महावीर नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ. क्यों बने? वाई शुड यू बिकम दैट? ये तो जरूर है कि रावण के ऊपर जीत पहनने के लिए बने. इट इज सर्टन दैट यू बिकम दिस टू गेन विक्ट्री ओवर रावण. अभी रावण क्या क्या पांच विकार. वेल व्हाट इज रावण? द फाइव वाइसेस. अरे पांच विकारों के अलावा और तो कोई जास्ती चीज नहीं है ना. अरे ही इजंट एनीथिंग मोर देन द फाइव वाइसेस इज ही? बाकी लड़ाई वड़ाई की तो बात ही नहीं है. एज फॉर द रेस्ट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइटिंग एंड सो ऑन. ये तो बुद्धि से समझने की बात है. इट इज अ कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू द इंटेलेक्ट. और बुद्धि का ताला तो बाप आकर के खोलते हैं ना. द फादर कम्स एंड ओपन्स द लॉक ऑफ द इंटेलेक्ट डजंट ही? वो ही तो बुद्धिमानों की बुद्धि है. ही हिमसेल्फ इज द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वंस. तो देखो कितना ताला खोला है बाबा ने. सो लुक बाबा हैज ओपन्ड द लॉक टू सच एन एक्सटेंट. और फिर देखो वंडरफुल बात कि कैसे ये ताला बंद हो जाता है. एंड देन लुक इट इज अ वंडर हाउ इट गेट्स लॉक्ड अगेन. तो ताला वरी ऐसा बंद होते हैं जैसे गोदरेज के ताले होते हैं ना, बहुत मजबूत. सो दे आर लॉक्ड इन सच अ वे एज देर आर द लॉक्स ऑफ गोदरेज. दे आर वेरी स्ट्रांग. नाम ही है गॉडरेज. द वेरी नेम इज गॉडरेज. अब गॉड तो भगवान कहा जाता है, भगवान को कहा जाता है ना. वेल भगवान इज कॉल्ड गॉड इजंट ही? गॉड की रेज इज माने किरण. गॉडरेज मीन्स द रेजेस ऑफ गॉड. गॉड है परमपिता परमात्मा, उनकी किरण है आत्मा. द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज गॉड एंड हिज रेज आर द सोल्स. तो वो गॉड रेज के ताले होते हैं ना मजबूत, खुलते नहीं है. सो द लॉक्स ऑफ गॉड रेज आर वेरी स्ट्रांग, दे डोंट ओपन अप. यहाँ भी बहुत ही बाबा के पास ऐसे हैं जिनको माया का ऐसा ताला मजबूत पड़ा हुआ है जो कुछ समझते ही नहीं है. हियर टू देर आर मेनी सच सोल्स विद बाबा who are so strongly locked up by Maya that they don't understand anything at all.
उनकी बुद्धि खुलती ही नहीं है। देयर इंटेलेक्ट डजंट ओपन अप एट ऑल। बोलते हैं बाबा हमारी बुद्धि खुलती नहीं है। दे से बाबा आर इंटेलेक्ट डजंट ओपन अप एट ऑल। अगर समझते हैं तो किसको फिर समझाए नहीं सकते। इवन इफ दे अंडरस्टैंड दे कांट एक्सप्लेन इट टू एनीवन। ऐसे भी होते हैं। देयर आर सच चिल्ड्रन एज वेल। खुद समझ जाते हैं। दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। तो भाई ऐसों का ताला फिर वो किस काम का। सो ब्रदर व्हाट इज द यूज ऑफ द लॉक ऑफ सच वंस। ये तो बाबा मिसाल देते हैं ना। बाबा सर्टेनली गिव्स दिस एग्जांपल डजंट ही। और बाबा तो सब प्रकार के मिसाल देते हैं। एंड बाबा गिव्स ऑल टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स। बाप आकर के सबका ही ताला। द फादर कम्स एंड एवरीवन्स लॉक। देखो जैसे यहाँ सब बैठे हुए हैं ना। लुक जस्ट लाइक एवरीवन इज सिटिंग हियर। देखो जिसका ताला खोलते हैं। सो लुक द वन हुज लॉक ही ओपन्स अप। इन बच्चियों का ताला खोलते हैं। ही ओपन्स द लॉक ऑफ दिस गर्ल्स। देखो ये छोटी बच्ची है ना। लुक शी इज अ स्मॉल गर्ल इजंट शी। ये भी जाती है। शी टू गोज फॉर सर्विस। कहती है मुझे कहां भी कोई भेजे हम जाके सर्विस करें। शी सेज नो मैटर वेयर समवन सेंड्स मी आई विल गो देयर एंड डू सर्विस। तो ऐसी ऐसी छोटियों को भी समझाते हैं ना। जाओ बच्ची। सो ही एक्सप्लेन्स टू सच स्मॉल गर्ल्स टू डॉटर गो। सर्विस करो। डू सर्विस। मनुष्य जो गटर में गिरे हुए हैं उनको जाए करके गटर से निकालो। ह्यूमन बींग्स हु हैव फॉलन इन गटर गो एंड टेक देम आउट ऑफ इट। ऐसे नहीं करना कि तुम जाकर के खुद ही गटर में गिर पड़ो। डोंट डू सच अ थिंग दैट यू योरसेल्फ गो एंड फॉल इन टू द गटर। देखो बाबा बच्चियों को भी समझाते हैं ना। लुक बाबा एक्सप्लेन्स टू द डॉटर्स टू। अभी तुम गटर में गिरने के लिए नहीं हो। नाउ यू aren't supposed टू फॉल into द गटर। अभी तो तुम छोटी छोटी बच्चियां बाहर निकल करके औरों को भी गटर से निकालो। नाउ यू स्मॉल daughters शुड गो आउट इन द वर्ल्ड एंड ब्रिंग आउट अदर्स आउट ऑफ द गटर। खुद पवित्र बनो। बिकम प्योर योर सेल्फ। ये दुनिया विषय सागर है ना। दिस वर्ल्ड इज द ओशन ऑफ वाइसेस इजंट इट। इस विषय सागर से कहो विषय वैतरणी नदी से कहो निकालने का काम करो। कॉल इट द ओशन ऑफ वाइसेस द रिवर ऑफ वाइसेस परफॉर्म द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अदर्स आउट ऑफ इट। और एंड ये तो जान दी इस विषय वैतरणी नदी में तो दुख अपार है अपरम अपार। यू डू नो दैट देयर इज इमेंस सोरो इन दिस रिवर ऑफ वाइसेस। 16/9/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज पहली लाइन। 7th पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 16/9/1968 फर्स्ट लाइन। इस विषय वैतरणी को कहा ही जाता है अपरम अपार दुख। दिस रिवर ऑफ वाइसेस इज सर्टेनली कॉल्ड द इमेंस सोरो। और फिर होती है अपरम अपार सुख नई दुनिया में। एंड देन देयर इज इमेंस हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इन द न्यू वर्ल्ड। अब अपरम अपार जो सुख देंगे
उनकी फिर अपरम अपार महिमा भी तो होगी ना। Now, those who give infinite happiness will also be infinitely glorified, won't they? अभी अपरम अपार कोई दुख देते हैं। Now, there are some who give immense sorrow. उनकी कोई महिमा थोड़ी ही होगी। They won't have any glory. रावण है, रावण की कभी महिमा होती है क्या? There is Ravan. Is there any glory of him? अरे कभी भी रावण की महिमा होती है? अरे is Ravan ever glorified? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। Not at all. Absolutely not. अरे सभी थे। अरे all were present here. और थे आसुरी संप्रदाय के यानी रावण संप्रदाय के थे। In fact, they belong to the community of demons, meaning the community of Ravan. अपार दुख सहन करते थे। They tolerated immense sorrow. अभी तो तुम जानते हो कि हम अभी अपार सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। Now you know that you come here for attaining infinite happiness. ऐसे वहां पढ़ते हैं अपरम अपार एकदम इन्फिनिट हैप्पीनेस एग्जिस्ट देयर इन हेवन तो है भी ना बरोबर फर्क तो है ना बच्ची सो इट डेफिनेटली एग्जिस्ट देयर डजंट इट देयर इज सर्टेनली अ डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेस एंड हेवन इजंट देयर डॉटर तुम देखो अभी क्या हो और क्या सुख में जाते हो लुक व्हाट यू आर नाउ एंड इन विच हैप्पीनेस यू गो तो ये सुख में जाने की अपरम अपार सुख में जाने की खुशी तुमको कितनी होनी चाहिए सो यू शुड हैव सो मच हैप्पीनेस ऑफ गोइंग टू द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट हैप्पीनेस और उसके लिए फिर कितना खबरदार रहना चाहिए And how alert you should be for it. कहीं ऐसा ना हो माया से हरा ले बे. It shouldn't be that you become defeated from Maya. और नई दुनिया में सुख तो सबको है ना. And everyone is certainly happy in the new world, isn't it? बाकी रही पोजीशन की बात. तो पोजीशन तो जरूर नंबर वार होगी. As regards the position. It will definitely be number wise, meaning according to the spiritual efforts. इस दुनिया में भी number वार position है ना? The position is number wise in this world too, isn't it? तो उस नई दुनिया में भी position तो number वार होते हैं ना बच्चे? Child, the position are definitely number wise in that world too, aren't they? हर एक एक्टर का पोजीशन नंबर वार एवरी एक्टर हैज अ पोजीशन नंबर वाइज हर एक का पोजीशन अलग एवरीवन हैज डिफरेंट पोजीशन देखो सब का पोजीशन देखो लुक एट एवरीवन्स पोजीशन हर एक का अपना अपना पोजीशन है ना बच्ची एवरीवन हैज हिज ओन पोजीशन डजंट ही डॉटर बाकी ये सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है एज फॉर द रेस्ट देयर कांट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीप्रेजेंस एट ऑल कि सब में एक ही व्यापी है दैट द वन इज प्रेजेंट इन एवरीवन नहीं नो उस सब में ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है ना God can't be present in everyone, can he? उसका नाम ही है ईश्वर है His very name is ईश्वर ईश माने शासन करना वर माने श्रेष्ठ ईश मीन्स टू रूल एंड वर मीन्स एलिवेटेड है
तो सब में कैसे हो सकता है? सो हाउ कैन ही बी प्रेजेंट इन एवरीवन? तो बाप कितना बैठ करके बच्चों को हर बात समझाते हैं। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू द चिल्ड्रन। और आखिरी में तुम बाप को भी जान चुके हो और रचना के भी आदि अध्यंत को जानते हो। एंड फाइनली यू हैव रिकॉग्नाइज द फादर एज वेल एज यू ऑल्सो नो द बिगनिंग मिडिल एंड द एंड ऑफ क्रिएशन। सभी बाप रोज कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानने वाले हो। This is why the father says this every day. You are the ones who recognize number wise according to your purusharth. और जो अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं वो इतनी जास्ती सर्विस भी कर सकते हैं। Those who know him and the beginning, middle and the end of the creation well can do service to a greater extent. फिर है सारा मदार पढ़ाई के ऊपर। Then everything depends on studies. तो ये पढ़ाई के ऊपर तुम बच्चे जानते हो कि फुल मार्क्स से कभी भी स्कूल में पास नहीं होते। You children know about these studies that no one passes with full marks in school. कोई कम मार्क्स से, कोई उससे जास्ती मार्क्स से, कोई उससे भी जास्ती मार्क्स। Some pass with few marks, some pass with more marks, and some pass with even more marks. 100 marks से लेकर के चले जाओ नीचे। Go downwards from 100 marks. ऐसी पढ़ाई में होता है ना? It happens like that in studies, doesn't it? तो ये भी बेहद की पढ़ाई है। So this is also the unlimited study. तो बच्चे जानते हो कि बरोबर बाबा बेहद की पढ़ाई से। यू चिल्ड्रन नो डेफिनेटली थ्रू द अनलिमिटेड स्टडी बाबा। अरे इस बेहद की पढ़ाई से बेहद की बादशाही दे रहे। अरे ही इज गिविंग द अनलिमिटेड एम्परशिप थ्रू दिस अनलिमिटेड स्टडी। बेहद की बादशाही विश्व की बादशाही दुनिया में और किसी धर्म वालों को मिली ही नहीं। नो वन बिलोंगिंग टू एनी अदर रिलीजन इन द वर्ल्ड हैज रिसीव्ड दिस अनलिमिटेड एम्परशिप द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड एट ऑल। तो बच्चों को कितना अटेंशन चाहिए? सो द चिल्ड्रन शुड बी सो अटेंटिव। अरे ऐसी पढ़ाई को तो बिल्कुल एक रोज भी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे यू शुडंट लीव सच स्टडी इवन फॉर अ डे। क्योंकि हम हैं गॉडली स्टूडेंट्स। इट इज बिकॉज यू आर गॉडली मीनिंग डिवाइन स्टूडेंट्स। किसके? हुज? वरी गॉड फादर के। गॉड द फादर। और ये गॉड फादर तो है ना बच्चे? He is certainly God the Father, isn't he child? और फिर जब कहते हैं गॉड फादर तो वो पढ़ाते भी हैं। And when we say he is God the Father, he certainly teaches us. तो फिर उनको कहेंगे गॉड टीचर भी है, सुप्रीम टीचर। Then he will be called God the supreme teacher as well. तो God father पढ़ाते हैं। So God the father teaches. तो supreme teacher की पढ़ाई का वो नशा तुम बच्चों को चढ़ा हुआ रहना चाहिए ना? So you children should have the elation of the studies of the supreme teacher, shouldn't you? कि भाई God father पढ़ाते हैं। Brother, God the Father teaches us. और भगवान उवाच। And भगवान उवाच। बुद्ध को गीता में ये सिर्फ उनकी भूल है कि वो देवता कृष्ण का नाम दे दिया। Look,
दिस इज द ओनली मिस्टेक इन द गीता दैट दे हैव मेंशन द नेम ऑफ द डीटी कृष्ण. अरे अरे भगवान तो नरको नारायण देवता बनाते हैं ना. गॉड सर्टनली ट्रांसफॉर्म्स अ मैन इनटू डीटी नारायण डजंट ही. नारी को लक्ष्मी देवी बनाते हैं. ही ट्रांसफॉर्म्स अ वुमन इनटू देवी लक्ष्मी. अभी ऐसे नहीं कि मनुष्य का नाम दिया है. इट इज इन दैट दे हैव मेंशन द नेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. नहीं देवता का नाम दिया है. नो दे हैव मेंशन द नेम ऑफ अ डीटी. और है मनुष्य भी. ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. मनुष्य देवता है सुधरा हुआ मनुष्य. A human being is a deity. A reformed human being is a deity. Oh, manushi to manushi. And a human being is certainly a human being. Jis manushi mein daivi gun hai, to kahenge devata. A human being who has divine virtues will be called deity. Aur jis mein asuri gun hai, usse kahenge asur, rakshas. And the one who has bad traits will be called demon. Hain to dono hi manushya. Both are definitely human beings. To barobar kab devata hai? Kab asur hai? So, definitely, sometimes he is a deity, sometimes he is a demon. और भक्ति मार्ग वालों ने देखो भगवान वाच तो कृष्ण को रख दिया है. लुक दोज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति हैव मेंशन भगवान वाच फॉर कृष्ण. क्योंकि कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड. इट इज बिकॉज कृष्ण इज नेक्स्ट टू गॉड. तो नंबर बार तो हो गई ना. सो Both are certainly number wise, meaning with different levels of achievements, aren't they? ठीक है ना बच्चे, दोनों एक कैसे हो सकते? It is correct, isn't it, child? How can both be the same? अरे बेहद के बाप के पीछे है कृष्ण, बड़े ते बड़ा देवता. अरे कृष्ण द ग्रेटेस्ट डीटी इज आफ्टर द अनलिमिटेड फादर. सूला कला संपूर्ण वो तो सतयुग में कहा जाता है. ही इज सेड टू बी कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इन द गोल्डन एज. सतयुग होता ही है सोलह कला संपूर्ण. द गोल्डन एज इज सर्टनली कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज. उस सतयुग को भी स्थापन करने का तरीका कौन बताते हैं? Who tells the method to establish even the golden age? तो उससे भी ऊंचा युग है सतयुग से. There is an age even higher than सतयुग. सतयुग तो है golden age. सतयुग is the golden age. अरे ये सबसे बड़ा बच्चा तो ये है ना जो diamond age में है. अरे he is the eldest child. Isn't he the one who is present in the diamond age? क्योंकि बाप आकर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उस अव्वल नंबर स्वर्ग में तो सबसे अव्वल नंबर ये है. इट इज बिकॉज द हेवन दैट द फादर एस्टेब्लिशेज आफ्टर कमिंग दिस वन इज द नंबर वन इन दैट नंबर वन हेवन. वो है सतयुगी कृष्ण, ये है संगम युगी कृष्ण. डायमंड एज का ही इज द गोल्डन एज कृष्ण एंड दिस वन इज द कॉन्फ्लुएंस एज कृष्ण ऑफ द डायमंड एज. अरे ये बातें कोई दूसरे मनुष्य थोड़े ही ऐसी बातें सुनाते हैं न जानते हैं. अरे द अदर ह्यूमन बीइंग्स डोंट नरेट दीज कॉन्सेप्ट्स, दे डोंट नो देम ईदर. वो भक्ति वाले जानते हैं क्या? Do those belonging to the path of bhakti know them?
अरे भक्ति वालों को तो अज्ञान ही कहा जाता है। अरे पीपल बिलोंगिंग टू द पाथ ऑफ भक्ति आर डेफिनेटली कॉल्ड इग्नोरेंट। तुमको देखो कितना बुद्धि में बैठा है ज्ञान। सो लुक सो मच नॉलेज है सेट इन योर इंटेलेक्ट। सो भी कहेंगे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बैठे। दैट टू इट विल बी सेड दैट इट सिट्स इन योर इंटेलेक्ट नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू योर पुरुषार्थ। और जिसको जास्ती ज्ञान है वो औरों को समझाते हैं। एंड दोज हू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन टू अदर्स। अब औरों को समझाते हैं तो अपना भी कल्याण करते हैं औरों का भी कल्याण करते रहते हैं। व्हेन दे एक्सप्लेन इट टू अदर्स दे ब्रिंग बेनिफिट टू देमसेल्व्स एज वेल एज दे कीप ब्रिंगिंग बेनिफिट टू अदर्स। मनुष्य को देवता बनाते हैं ना। दे ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बींग्स इंटू डीटीज डोंट दे। तो जो मनुष्य को देवता बनाने का धंधा करते हैं बाप के साथ उनको कितनी खुशी रहती होगी। दोज हू डू द बिजनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन बींग्स इंटू डीटीज अलॉन्ग विद द फादर हाउ हैप्पी दे वुड बी। ओम शांति ओम शांति।